आप कांग्रेस के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हरियाणा में और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मजबूत स्थिति में आपको नजर आते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हरियाणा में अभी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई, एक सिर्फ अटव्वल की स्थिति, सिर्फ अटव्वल की देखने को मिलेगी कि सीएम चेहरा कौन होगा? एक तरफ हुड्डा है, दूसरी तरफ शैलजा है, शैलजा भी ये कह रही है कि आला कमान सब जानता है, हायर अथॉरिटी सब जानती है, महिला होने की या फिर एक दलित चेहरा होने की जब बात सामने आएगी तो दे नो इट ऑल। दूसरी तरफ आपके हुड्डा साहब है, वो कह रहे हैं कि ना मैं हर्ट हूं ना मैं रिटायर्ड हूं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक दिक्कत होगी कांग्रेस में अगर कल उनकी जीत होती भी है हरियाणा में? तब नहीं, जिस तरीके के जिस नंबर्स की उम्मीद की जा रही, अपेक्षा की जा रही, जिससे मेरे व्यक्तिगत नंबर्स है 61, लेकिन 55 प्लस ही आएगी कांग्रेस के, तो वहां पर दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज किसी भी लीडर में, चाहे कोई भी लीडर हो, वो हाईकमान से ज्यादा हाईकमान के पास सारे पत्ते हो गए, बट जो कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग है वो भाजपा की तरह नहीं है कि दो लोग ही फैसले लेते हैं और मुख्यमंत्री चेंज करे, जिससे मसलन गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट चेंज हो गई और नितिन पटेल जी जो उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे वो टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला था, उनको भी निकाला गया। तो वैसे नहीं होता कांग्रेस में, विधायकों को साथ में लेके जाके विधायकों की चॉइस और हाईकमान साथ में मिलकर तय करते हैं। नहीं, बट आई डिफर किसी में भी, क्योंकि अगर कांग्रेस, आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस में इसको लेकर तो सिर्फ अटव्वल हमेशा से रही है कि मैं चेहरा या तू चेहरा। ये आप चाहे राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए या किसी और राज्य का उदाहरण ले लीजिए, हमेशा आपको एक दो तीन चेहरे खड़े हुए नजर आएंगे जो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ का ले लीजिए। जी जी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन ये दुविधा हर पार्टी में होती है। आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके पहले सिटिंग मुख्यमंत्री सोनोवाल जी थे। चुनाव आने के बाद कितने दिन बाद वो मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं कर पाए, ये तो आसाम के अंदर हुआ। सेम चीज उनको गुजरात में, मैंने आपको उदाहरण दिया। तो ये तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, और इवन कर्नाटका के अंदर कैबिनेट कितने समय तक अपॉइंट नहीं किया, येदुरप्पा जी मुख्यमंत्री बन गए जब कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिर गई, वो अकोमोडेट ही नहीं कर पाए। तो ये तो दिक्कतें हर पार्टी में आती है। और ऑफ कोर्स जब आपके पास सेंटर की ताकत होती है, आपके पास EDCBI होती, तो आप एक ज्यादा पावरफुल लीडर होते हो, वरना कम होते हो। बट मुझे नहीं लगता 55 प्लस में, देखिए जिन राज्यों का आप एग्जांपल दे रहे हो, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पे ओवरवेलमिंग मेजोरिटी नहीं थी, यहाँ पर ओवरवेलमिंग मेजोरिटी आएगी, तो कोई भी लीडर हाईकमान को चैलेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, विधायक प्लस हाईकमान तय करेगी। ठीक है, टिकट बंटवारे में हालांकि इसमें इसको लेकर भी बहुत इफ और बट नजर आए थे, और किसके हिस्से ज्यादा पसंदीदा चेहरों को फिर टिकट देके चुनावी मैदान में उतारा गया था। तहसीन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सिंह साहब, जल्दी से इसका एक काउंटर अगर आप रखना चाहें तो प्लीज रखिएगा, फिर उसके बाद काजमी साहब आपके पास और हर्ष फिर आपके पास आती हूँ। चैलेंज स्वीकार कर लीजिए, शैलजा को मुख्यमंत्री का हिस्सा बनाइए, हिम्मत हो। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है, वो विधायक और आप तो पिछड़ी जाति की बात करते हैं। आप तो क्या सारे देश में गाना गाते हैं कि हम पिछड़ी जाति के लिए काम कर रहे हैं और संविधान की बात करते हैं, तो इसलिए जरा थोड़ा हिम्मत करिए ना, जरा पिछड़ी जाति की बहन है उनको जो बनाइएगा मुख्यमंत्री। नहीं तो आप ये कह रहे हैं सिंह साहब कहीं ना कहीं की जीत रहे हैं यही, मतलब कांग्रेस? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर ये गलती से कहीं इनकी गलतफहमी हो जाए कहीं पे, इनको गलतफहमी है, परंतु जो वहां पर भी हंग है और कश्मीर में भी हंग है, उसमें कैसे, ये कश्मीर में तो हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, यहाँ पर ये क्या चक्रम लगाएंगे पता नहीं अभी। परंतु अगर गलती से आप वहां पर जीतते हैं तो शैलजा को बनवाइएगा, कोशिश करिएगा, जो बड़ी लगाइएगा। पूर्णिमा जी, एक मैं चैलेंज दे दूं? ठीक है, एक मैं चैलेंज दे दूं? हाँ बोलिए। कल 6 बजे मैं आपके शो में शिरकत करूंगा, आप मुझे मौका दीजिए और आप सिंह साहब को बुला लीजिए, हरियाणा पे हो जाए। मैं हरियाणा में व्यक्तिगत तौर से काम किया हूँ, मैं जानता हूँ 55 प्लस। आप कल मुझे इनवाइट कीजिए और सिंह साहब को भी बुलाए, मैं हरियाणा पे बात करूंगा, हरियाणा शो पे कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये मैं भी आपके शो पे रहूंगा कल 6 बजे।
ठीक है और ये क्लिप हम हरियाणा पे 55 प्लस कैसी ठीक है आज का पहले आयजा को मुख्यमंत्री घोषित कराएंगे आपसे। ठीक है सिंह साहब, पहले आज का 6 बजे का पूरा कर लेते हैं और कल के लिए इसको तय रखते हैं। आज का पहले 6 बजे का पूरा करके इसको कल के लिए पहले एडवांस में तय कर लेते हैं। एक बार सोहेल काजमी जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। काजमी साहब माफी चाहूंगी, आपके पास देरी से आ रही हूं, लेकिन मेरा सवाल अगर आपने ना सुना हो तो दोहरा देती हूं। मैं यही कह रही हूं कि कल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत शानदार दिन है क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव है और कौन सी पार्टी जीतती है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वहां की जनता को उनका एक नुमाइंदा मिल जाएगा जिसके लिए वो लगातार प्रयासरत थे। लेकिन अब उसमें जो ट्विस्ट आया है ना सोहेल काजमी साहब, वो 5 नॉमिनेटेड सदस्यों वाला आया है और उसको लेकर ऑपोजिशन को बहुत दिक्कत है, कह रहे हैं कि अनएथिकल है और संविधान के खिलाफ है। सोहेल काजमी जी, हेलो जी, काजमी साहब आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। देखिए संविधान के खिलाफ कुछ नहीं है, मैं देख रहा था कि पॉलिचेरी में जो पार्लियामेंट से इनको पार्लियामेंट से जो एसपी को इम्पावर किया गया है नॉमिनेशन के लिए, वो नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी नॉमिनेशंस को और वो संविधान जो है यूनियन टेरिटरी और अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉब्लम है जो मेरे साथ बातचीत हो रही है, लेकिन शैलजा भाटिया आपसे भी लेना चाहूंगी, फिर उसके बाद हर्ष मैं आपके पास आती हूँ। शैलजा भाटिया, बार बार देखिए आप कहेंगे मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन ये सवाल इसीलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद आप लोग उस स्थिति में हों जहां पर निर्णायक भूमिका में हों आप लोग, और बार बार जो है ये कहा जा रहा है छोटे दलों द्वारा कि भाई चाबी तो हम ही हैं जो उस ताले को खोलेगा। अब दिक्कत ये है कि कौन कितना बड़ा ताला खोलने में सक्षम है, ये कल के नतीजों में रिफ्लेक्ट होगा। क्या आपको लगता है जेजेपी अपने पुराने मनभेद भुलाकर बीजेपी के पास या साथ जाने की स्थिति में है अगर जरूरत पड़ती है तो? शैलजा भाटिया जी, यहां बात मनभेद की नहीं है कि कोई मनभेद है, क्योंकि इसका हमने बहुत ज्यादा खमियाजा जो है वो भुगता है लोकसभा के इलेक्शन के अंदर और जो सबको पता है। तो इस चीज की चर्चा हम कई बार कर भी चुके हैं कि हमने एक तरीके से बड़ा क्लियर है कि अगर कल को हमारी सिचुएशन ऐसी होती है तो हमने कहां नहीं जाना, पर उसके आगे क्या क्या हमारे पास विकल्प है और किस डायरेक्शन में हम जाएंगे वो तो एक बार जब कल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा और तभी हम एक डिसीजन लेंगे। तो आप ये कह रही हैं नहीं जाने वाला जो रास्ता है वो बीजेपी वाला है? जी सिंह साहब, ये गुड न्यूज नहीं है बहुत बीजेपी के लिए, क्योंकि नहीं जाने वाला रास्ता बीजेपी की तरफ इनका जा रहा है और इसको लेकर ये कई बार अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। कल जम्मू कश्मीर में हरियाणा में जिस तरीके के नतीजे आएंगे, और फिर मैं कहती हूँ कि कांग्रेस जो मजबूत स्थिति में फिलहाल दिख रही है, बाकी तो नतीजे बताएंगे जो होना है, लेकिन आपको लगता है कि एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव आने वाले चुनावों के मद्देनजर इन पार्टीज को लेकर बहुत ज्यादा बदलेगा, इनकी लीडरशिप इनके चेहरे को कर बदलता हुआ नजर आएगा और अपने आप को एक मजबूती के साथ प्रोजेक्ट करने की स्थिति में जीतने वाली पार्टी आपको लगता है ज्यादा प्रेजेंट कर पाएगी? पूर्णिमा जी, एक तो जो आपका पुराना प्रश्न था उसका मेरा उत्तर अधूरा रह गया था, वो मैं देना चाहूंगा। जो मैं ये कह रहा था कि जो छोटी पार्टीज हैं INLD हो गई या JJP हो गई, मुझे नहीं लगता INLD सिर्फ एक सीट ले जा सकती है और JJP तो जीरो पे रहने वाली है। अगर ये अपनी क्या कहते हैं डिपॉजिट भी बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। इस समय पर अगर सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों का है, जो कोर वोट बैंक JJP का रहा वो सबसे ज्यादा JJP के अगेंस्ट है, इतना गुस्सा खट्टर साहब या BJP के अगेंस्ट नहीं है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी उनके अगेंस्ट नहीं है जितना लोगों का गुस्सा JJP के अगेंस्ट है।